नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से कोरोना को लेकर ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने भारतीयों का मनोबल लगातार बढ़ा दिया है। कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है ताकि तेजी से देश में कोरोना का सफाया किया जा सके। पिछले 24 घंटों में देश में 3,48,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो अच्छी खबर ये कि इसी दौरान 3,55,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं, यानी जितने मरीज सामने आए उससे कहीं ज्यादा मरीज ठीक हुए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कोरोना महामारी से जुड़ी वो खबरें भी बताने वाले हैं जो आप में उत्साह की नई किरण जगाने वाली हैं। लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए और उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिनको इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत में तेज हुई कोरोना के खिलाफ लड़ाई। देश में कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई है। भारत में अब एक ही दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 20,00,000 टेस्ट किए गए हैं। ये एक दिन में किए गए टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बड़ी बात ये भी रही कि रिकॉर्ड टेस्ट के बावजूद नए संक्रमितों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में 3,48,000 लोगों में ही कोरोना की पुष्टि हुई, यानी पॉजिटिविटी रेट 17.6% ही रहा, जो 2 दिन पहले 25% चल रहा था। वहीं राहत की बात ये भी रही कि लगातार दूसरे दिन नए संक्रमितों से ज्यादा मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 3,55,000 लोग ठीक हुए, इससे पहले 3,56,000 मरीज ठीक हुए थे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन का टीकाकरण भी चालू है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 24,46,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। अब तक देश में कुल 17,52,00,000 लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, जिनमें 3.86 करोड़ को दोनों डोज और 13.66 करोड़ को पहली ही डोज मिली है। वहीं कोरोना को लेकर पूरे देश में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। देश के 18 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना और पुडुचेरी शामिल हैं। तो देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है, यानी यहाँ पाबंदियां तो हैं लेकिन छूट भी है। इनमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। भारत में बच्चों को भी लगेंगे कोरोना टीके। कोवैक्सीन को मिली ट्रायल की इजाजत। देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर जताई जा रही है। इसका कारण यह है कि अभी देश में सिर्फ 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही वैक्सीन की डोज दी जा रही है। हालांकि अमेरिका ने अपने देश में बच्चों के लिए बनी एक वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है, तो अब भारत में भी इसकी उम्मीद जगी है। भारत बायोटेक और ICMR के सहयोग से तैयार कोवैक्सीन को 2 साल से 18 साल के बच्चों के लिए ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। ये ट्रायल कई स्थानों पर 525 प्रतिभागियों के बीच आयोजित करने की योजना है। अस्पतालों में एम्स दिल्ली और पटना भी शामिल हैं। देश में विशेषज्ञ समिति ने 2 से 18 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल टेस्ट की सिफारिश की थी। भारत में धीरे धीरे खत्म हो रही कोरोना की दूसरी लहर। प्रतिष्ठित वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने कहा है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ती हुई लग रही है, जो अब जुलाई तक जारी रह सकती है। हालांकि मामलों में कमी आने के बावजूद हमें रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमण से निपटना होगा। वैज्ञानिक के मुताबिक दूसरी लहर में मामले पहली लहर की तरह आसानी से कम नहीं होंगे। पहली लहर में मामलों में सतत कमी आ रही थी, लेकिन इस साल संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। 96-97 हजार मामलों की जगह इस बार एक दिन में 4,00,000 मामले आए हैं, लिहाजा ये धीरे धीरे खत्म होगा। वैज्ञानिक जमील ने कहा कि भारत की दूसरी लहर के ज्यादा विकराल होने के पीछे कोरोना को हल्के में लेना रहा। दिसंबर आते आते मामले कम होने लगे, लिहाजा लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता पर यकीन होने लगा। जनवरी फरवरी में कई शादियां हुई जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। चुनाव, धार्मिक रैलियों जैसे आयोजन हुए जिनसे संक्रमण तेजी से फैला। हालांकि अब ग्राफ गिरने लगा है, जो धीरे धीरे जुलाई तक जमीन पर आ जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट को भारतीय कहने पर फटकार। कोरोना कहर के बीच भारत सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर फटकार लगाई है जिनमें दावा किया जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि दुनिया के 44 देशों में कोरोना का भारत वाला वेरिएंट मिला है। कोरोना के भारतीय वेरिएंट पर चिंता जताए जाने की खबरों के बाद केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट के रूप में जिक्र नहीं किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने B.1.617 को वैश्विक चिंता के एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया है, मगर कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट कहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है और बिना किसी आधार के है।
भारत में अभी जिस वेरिएंट का कहर दिखाई दे रहा है वो ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट के बाद कोरोना का चौथा प्रकार माना जा रहा है। इस वायरस को डबल म्यूटेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो शरीर में एंटीबॉडीज को खत्म कर देता है। वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। देश में राज्यों की ओर से लगातार वैक्सीनेशन तेज करने की मांग की जा रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इसी महीने यानी मई में 8 करोड़ वैक्सीन के डोज उपलब्ध है और अगले महीने 9 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन की उपलब्धता धीरे धीरे बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। सबसे पहले जिनको दूसरी डोज मिलनी है उससे वैक्सीन मिले ताकि उनका वैक्सीनेशन अधूरा नहीं रह जाए। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को बता दिया गया था राज्य सरकारों को अगले 15 दिनों में कितने वैक्सीन मिलने वाली हैं। इसी तरह 14 मई को आपको बता देंगे कि अगले 15 दिनों में कितनी और कब वैक्सीन मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड 19 रोधी टीकों की 17.52 करोड़ खुराकें दी गई हैं। साथ ही केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वैक्सीन की बर्बादी को तुरंत रोकें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सके। महामारी पर सामने आया चौंकाने वाला रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक रिसर्च में कोरोना महामारी से जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य पेश किए हैं। इस रिसर्च के मुताबिक एबी और बी ब्लड ग्रुप के लोगों को कोविड 19 से ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। ओ ब्लड ग्रुप के लोगों पर इस बीमारी का सबसे कम असर हुआ है। इस ब्लड ग्रुप के ज्यादातर मरीज या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या फिर उनमें बेहद हल्के लक्षण देखे गए हैं। सीरो पॉजिटिव सर्वे के डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें देश के 10,000 लोगों से डेटा लिया गया है और इसका 140 डॉक्टर्स की टीम ने विश्लेषण किया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शाकाहारी लोगों की तुलना में मांसाहारियों को कोरोना वायरस संक्रमण होने की आशंका ज्यादा है। तो वहीं देखा गया है कि सब कुछ किसी व्यक्ति के जेनेटिक स्ट्रक्चर पर निर्भर है। कई उदाहरण ऐसे देखे गए जिनमें पूरे परिवार को संक्रमण हुआ लेकिन परिवार का एक व्यक्ति इससे बचा रहा। हालांकि अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अब बहुत कुछ कह देना ठीक नहीं है क्योंकि अभी इस रिसर्च पर और स्टडी किए जाने की जरूरत है।